नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फोसिस वर्सेस विप्रो, इन्फोसिस और विप्रो में कौन सा शेयर बेस्ट है, क्योंकि ये बहुत सारे व्यूवर्स का कॉमन क्वेश्चन होता है कि इन्फोसिस बढ़िया है या विप्रो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की पर्पज से हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे ज़्यादा बोनस शेयर कौन सा शेयर देता है, इन्फोसिस देता है सबसे ज़्यादा बोनस शेयर या विप्रो देता है, तो पूरे कंपैरिजन को हम इस वीडियो में जानेंगे। और किस वीडियो में हम जो है इसके रिटर्न को भी कैलकुलेट करेंगे, इन्फोसिस और विप्रो में सबसे ज्यादा रिटर्न कौन सा शेयर ने दिया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम कंपनी की वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। तो इन्फोसिस के वैल्यूएशन की बात करें तो 4,95,000 करोड़ इसका मार्केट कैप है, जो कि बहुत ही एक लार्ज कैप कंपनी है, मतलब एक ब्लू चिप कंपनी है हमारे मतलब स्टॉक मार्केट का, इंडियन स्टॉक मार्केट का। इसका डिविडेंड यील्ड देख लीजिए 1.50% है, तो डिविडेंड यील्ड भी कंपैरिजन में काफी शानदार रोल प्ले करता है, क्योंकि डिविडेंड यील्ड जितना शानदार होगा आपको एक कांस्टेंट रिटर्न हर साल उस रूप में मिलेगा। तो 1.50% का डिविडेंड यील्ड है इन्फोसिस का। अब हम इसके फाइनेंशियल को भी जान लेते हैं, कंपनी कौन सा डेट फ्री है इसको भी जान लेते हैं, तो हर कंपैरिजन को हम जानेंगे। तो सबसे पहले फाइनेंशियल पर चलते हैं, तो फाइनेंशियल कंपनी का देख लेते हैं। तो इसका सेल्स सेप्टेम्बर क्वार्टर 19 में था 22,000 करोड़, जहाँ से ये हो गया 24,000 करोड़, तो 22,000 करोड़ से चला गया 24,000 करोड़। और इसका जो प्रॉफिट है 4,000 करोड़ से बढ़कर के हो गया 4,800 करोड़, तो प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है, सेल्स भी इंक्रीज हुआ है, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, एनुअल बेसिस पे भी आप देख सकते हैं, एनुअल बेसिस पे भी कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। 62,000 करोड़ से 90,000 करोड़ सेल्स चला गया, प्रॉफिट चला गया 13,000 करोड़ से 16,000 करोड़, तो प्रॉफिट भी जंप हुआ है, सेल्स भी जंप हुआ है, सारी चीज़ें काफ़ी शानदार है। उसके बाद कंपनी का जो डेट है उसको भी अगर आप जानना चाहते हैं तो इन्फोसिस का जो डेट है उसको जान लेते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल इस कंपनी के पास है, देखते हैं 2,000 करोड़ का इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस है 63,000 करोड़ का। और उसके बाद नीचे चलते हैं, कंपनी के पास जो लॉन्ग टर्म डेट है तो जीरो है, मतलब कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है। तो आपने देख लिया कि रिजर्व भी काफ़ी ज़्यादा है और कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है, और कैश और कैश इक्विवेलेंट देखिएगा तो 18,000 करोड़ का है। तो ये हो गया इन्फोसिस का, आपने देख लिया वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है, सेल्स भी इंक्रीज हो रहा है कंपनी का, प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, हर चीज़ काफ़ी फेवरेबल है। अब चलते हैं हम विप्रो के मतलब वैल्यूएशन पर। सबसे पहले हम विप्रो के वैल्यूएशन की बात करेंगे, फिर विप्रो का जो फाइनेंशियल डाटा है उसकी बात करेंगे। तो हर चीज़ हम विप्रो कंपनी के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले कंपनी का वैल्यूएशन देख लेते हैं, कंपनी का वैल्यूएशन क्या है, कंपनी का सेल्स क्या है, प्रॉफिट क्या है, उसके बाद हम जानेंगे। तो सबसे पहले मार्केट कैप, तो इसका है 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप, तो 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, जबकि 5 लाख करोड़ का था इन्फोसिस का। तो उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी छोटी कंपनी है, तो दोनों मतलब ब्लू चिप कंपनी, दोनों लार्ज कैप कंपनी, लेकिन 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप और 2 लाख का करोड़ का मार्केट कैप, मतलब इससे 2.5 गुनी बड़ी है, मतलब इन्फोसिस विप्रो से, तो मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन में। और डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.28 है इसका डिविडेंड यील्ड, जबकि इन्फोसिस का था 1 point something, तो डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी शानदार था। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड काफ़ी कम है, 0.28 है, तो डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी कम है इस कंपनी का, तो डिविडेंड यील्ड के मामले में इन्फोसिस ज़्यादा बेटर है। तो अब हम चलते हैं कंपनी के जो फाइनेंशियल डाटा है उसके कंपेरिजन में। तो कंपनी का जो फाइनेंशियल है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कंपनी का सेल्स क्या हो रहा है, प्रॉफिट क्या हो रहा है, इसको जानना बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर हम ओवरव्यू पाए हैं, कंपनी का रेवेन्यू देख लेते हैं। कंपनी का रेवेन्यू देख लीजिए लगातार इंक्रीज हुआ है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है पिछले मतलब 2 क्वार्टर से, यहाँ पर देख सकते हैं पिछले 2 क्वार्टर से रेवेन्यू डिक्रीज हुआ है। ये मनी कंट्रोल का नया मतलब वर्सन है, नया व्यू है, नए व्यू में आपको बार के द्वारा आप आसानी से जान सकते हैं। यहाँ पर आप पे जैसे कर्सर ले जाएंगे आपको इसका जो वैल्यू है वो भी दिखाई देगा। देखते हैं यहाँ पर जो रेवेन्यू है 15,000 करोड़ का है, यहाँ पर देख लीजिए 15,000 करोड़ का है, तो लगभग कांस्टेंट है रेवेन्यू में, कोई इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हुआ। नेट प्रॉफिट पर चलते हैं, तो नेट प्रॉफिट भी देखते हैं कंपनी का उसी रेशियो में, नेट प्रॉफिट भी लगभग कॉन्स्टेंट है, कुछ इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हुआ, पिछले कुछ क्वार्टर में इंक्रीज और डिक्रीज हुआ था।
उसके बाद अर्निंग पर शेयर भी जान सकते हैं, अर्निंग पर शेयर भी कांस्टेंट है, मतलब उसी रेशियो में कांस्टेंट है। तो ये हो गया आपका जो रेवेन्यू प्रॉफिट है, क्वार्टरली बेसिस, एनुअली बेसिस पे भी देख सकते हैं। एनुअली बेसिस पे भी लगभग मतलब थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है रेवेन्यू, यहाँ पर देखते हैं 61,000 करोड़ हो गया, जबकि यहाँ पर था 51,000 करोड़ 2016 में। तो ये भी मतलब एनुअली बेसिस पे कहें तो अच्छा खासा मतलब रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट की बात करें तो था यहाँ पर लगभग 8,900 करोड़ का, और यहाँ पहुँच चुका है प्रॉफिट हमारा 9,700 करोड़ का, तो प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। देखें तो बीच के कुछ सालों में 18 में थोड़ा सा डिक्रीज हुआ था, तो थोड़ा बहुत मतलब इंक्रीज और डिक्रीज होते रहता है। वहीं अर्निंग पर शेयर की बात करें, अर्निंग पर शेयर डिक्रीज हुआ है क्योंकि नंबर ऑफ बोनस शेयर काफ़ी कंपनी देता है, तो जैसे नंबर ऑफ बोनस शेयर देने नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज होगा तो अर्निंग पर शेयर डिक्रीज होगा। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी भी कुछ खास नहीं है, लगभग कांस्टेंट ही है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है डेट टू इक्विटी रेशियो, देखते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी डिक्रीज हुआ है। डेट टू इक्विटी रेशियो लगभग वर्चुअली कंपनी डेट फ्री है, देखते हैं डेट और इक्विटी की बात करें तो रेशियो काफ़ी कम है, 0.11, मतलब वर्चुअली ये भी कंपनी डेट फ्री है। तो कंपनी डेट फ्री ये भी है और इन्फोसिस भी है, लेकिन इन्फोसिस का जो सेल्स और रेवेन्यू है थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, इसका सेल्स और रेवेन्यू थोड़ा कम इंक्रीज हुआ है, तो ये आपने देखा। वहीं बैलेंस शीट भी आप देख सकते हैं, कंपनी का जो रिजर्व और सरप्लस है के पास 54,000 करोड़ का है। उसके बाद यहाँ पर शेयर कैपिटल देख लीजिए तो 1,100 करोड़ का है, जबकि इससे डबल था इन्फोसिस के पास शेयर कैपिटल। और लाइबिलिटीज़ की भी देख सकते हैं, जो करेंट लाइबिलिटीज़ है, अदर लाइबिलिटीज़ है, टोटल लाइबिलिटीज़ है, वो भी देख सकते हैं, आपने देख लिया। वर्चुअली कंपनी डेट फ्री है, तो जो करेंट लाइबिलिटीज़ है मतलब जो करेंट देनदारी है उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, वो देनदारी चलती रहती है। अब बात चलते हैं जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है हमारा, कि सबसे ज़्यादा कंपनी कौन सा, अभी तक में इन्फोसिस ज़्यादा बेटर से रहे रेवेन्यू के मामले में, सेल्स के मामले में, प्रॉफिट के मामले में, डिविडेंड यील्ड के मामले में। डिविडेंड यील्ड भी इन्फोसिस का काफ़ी शानदार था। अब बोनस की बात करते हैं, तो बोनस जो हमारा है, बोनस की बात करेंगे तो विप्रो काफ़ी ज़्यादा बार बोनस दिया है, वह इन्फोसिस थोड़ा कम दिया है। तो यहाँ पर देखते हैं 1994 से, तो ये कंपनी 1993 में लिस्ट हुआ था, तो वहाँ से एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छः बार, सात बार, आठ बार जो इन्फोसिस बोनस शेयर दिया है अपने इन्वेस्टर को। वहीं विप्रो की बात करें, टोटल अगर हम बात करें यहाँ से 19 में, 17 में, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अगर 94 से भी बात करें तो 7 बार दिया है इस कंपनी ने, देखते हैं 7 बार, 95 से लेकर 2019 तक में, जबकि इन्फोसिस कितना बार दिया था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार, तो ये 8 बार दिया था, ये 7 बार दिया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो मतलब बोनस भी लगभग सेम दिया है, 7 बार दिया है 95 से, और इन्फोसिस जो है 94 से 8 बार दिया है। लेकिन ओवरऑल की बात करें 92, तो ये हो गया आपको 8 बार, 9, 10, 11, 12, 13, कुल 13 बार विप्रो ने बोनस दिया है, जब से विप्रो मतलब 1970 से कुल 13 बार बोनस दिया है विप्रो ने, और 94 से लेकर के अभी तक में 8 बार दिया है इन्फोसिस ने। लेकिन एक और पैरामीटर्स है कि इन्फोसिस जो है हमारा जो स्टॉक स्प्लिट किया है वो एक बार मात्र जो किया है 10 रुपया फेस वैल्यू से 5 में, यहाँ पर शेयर सिर्फ आपका डबल हुआ होगा। लेकिन जो विप्रो है, अगर विप्रो का स्टॉक स्प्लिट देखें तो ये किया है, आपको देख सकते हैं यहाँ पर 1999 में 10 रुपया फेस वैल्यू से 2 रुपया में। तो अगर 94 से भी गिने, अगर ये स्टॉक स्प्लिट को भी काउंट करें तो यहाँ आपका नंबर ऑफ शेयर्स डायरेक्ट 5 टाइम्स हो गया है। तो अगर इसको मिलाएं तो विप्रो भी बोनस शेयर देने के मामले में मतलब पीछे नहीं है इन्फोसिस से। तो लगभग दोनों कंपनी इस मामले में बराबर समानता का है, मतलब बराबर टक्कर का है, कि दोनों काफ़ी ज़्यादा बोनस शेयर देते हैं, काफ़ी मतलब रेगुलर इंटरवल पर अपने इन्वेस्टर को बोनस शेयर देता है। तो दोनों शेयर काफ़ी मतलब बेहतरीन है बोनस शेयर के मामले में, और साथ साथ रेवेन्यू और सेल्स के मामले में इन्फोसिस ज़्यादा बेटर है। मार्केट कैप में इन्फोसिस ज़्यादा बड़ी कंपनी है, मतलब 2.5 गुनी है विप्रो से। तो अब समझ सकते हैं आपने सारे पैरामीटर्स पे सबसे बेहतरीन कंपनी कौन सी है। तो इन्फोसिस ज़्यादा बेटर है डिविडेंड यील्ड के मामले में और रेवेन्यू सेल्स के मामले में, और ज़्यादा लार्ज कैप कंपनी है, मतलब विप्रो से 2.5 गुनी बड़ी कंपनी है। तो विप्रो इन्फोसिस में कौन सा बेटर कंपनी है, तो दोनों कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। और अगर बात करें जब से इन्फोसिस 1993 से लिस्ट हुआ है, तब
से अभी तक में रिटर्न के मामले में बात करें, विप्रो इन्फोसिस बोनस शेयर के मामले में बराबर रिटर्न दिया है, लेकिन एक और पैरामीटर है कि अगर हम रिटर्न को कैलकुलेट करें चार्ट पे, तो जब अगर हम बोनस शेयर को सेम कैलकुलेट लेते हैं कि दोनों लगभग सेम बोनस शेयर दिया है, तो यहाँ पर अगर आप चार्ट पर देखेंगे तो इन्फोसिस ज़्यादा बेटर है। देख सकते हैं ये ब्लू चार्ट जो है इन्फोसिस का है, और ये रेड चार्ट जो येलो कलर का चार्ट है ये हमारा विप्रो का है। तो देखते हैं इन्फोसिस का चार्ट हमेशा विप्रो के ऊपर ही रहा है, कभी भी नीचे नहीं गया, मात्र यहाँ पर थोड़ा सा क्रॉस किया था विप्रो 2000 के ईस्वी में, उसके बाद कभी भी विप्रो जो है इन्फोसिस के आसपास भी नहीं है। इन्फोसिस ज़्यादा बेटर रिटर्न दे रहा है चार्ट पे, तो इस तरह से आप इन्फोसिस को ज़्यादा बेटर ले सकते हैं। लेकिन विप्रो भी किसी भी मामले में कम नहीं है, विप्रो भी काफ़ी अच्छा बोनस दिया है, विप्रो भी काफ़ी अच्छी कंपनी है। आगे चल करके कोई भी कंपनी ज़्यादा बेटर रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दे सकता है, हो सकता है विप्रो भी आगे चल करके अगले 20 साल में अच्छा रिटर्न दे, इन्फोसिस भी दे सकता है। तो मतलब दो में से कोई भी कंपनी आगे अगले 20 साल में ज़्यादा बेटर मतलब रिटर्न इन्वेस्टर को दे सकता है। तो दोनों कंपनी में आप जो अच्छा मतलब 50-50% इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कोई भी कंपनी आपको ज़्यादा बेटर रिटर्न दे सकता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जब पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।